हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टिनाइटस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टिनाइटस क्या होता है? तो टिनाइटस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि आपको कानों में अजीब सा साउंड सुनाई देने लग जाता है। एक्चुअली में कोई भी एक्सटर्नल साउंड नहीं होता, ये सिर्फ आपको ही फील होता है। टिनाइटस के कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि ये एज रिलेटेड हो सकता है या फिर कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ के वजह से भी आपको टिनाइटस हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को टिनाइटस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को अजीब से साउंड आने लग जाएंगे कान में, उन्हें नॉइज़ सुनाई देने लग जाएगा। साउंड काफ़ी सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि आपको रिंगिंग साउंड सुनाई दे सकता है, आपको बजिंग साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा आपको हिसिंग या फिर क्लिकिंग टाइप का साउंड भी आ सकता है, आपको रोरिंग या फिर हमिंग टाइप का साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को हेडेक या फिर माइग्रेन की कंप्लेन भी हो सकती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होने लग जाएगा। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को वर्टिगो की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को टिनाइटिस होने का। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर किसी पर्सन की एज इंक्रीज़ हो रही है, उन्हें हेयरिंग लॉस हो रहा है, तो ऐसे लोगों को कानों में अजीब सा साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एयर में इन्फेक्शन हुआ है, एयर ब्लॉकेज हो चुका है, तो ऐसे लोगों को भी अजीब सा साउंड सुनाई दे सकता है। अगर किसी पर्सन के एयर में बहुत ज़्यादा वैक्स का बिल्डअप हो चुका है या फिर कोई फॉरेन मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसे लोगों को भी कान में अजीब सा साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को हेड या फिर नेक में कोई इंजरी हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, तो ऐसे पर्सन को भी कान में अजीब सा साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा कई सारी मेडिकेशंस भी है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं टिनाइटिस के। अगर आप कोई एनसेड्स मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, या फिर अगर किसी पर्सन की कैंसर ड्रग चल रही है या फिर कोई वाटर पिल्स चल रही है, तो ऐसे लोगों को टिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ था और उनकी एंटी मलेरियल ड्रग्स चल रही है, तो ऐसे लोगों को भी टिनाइटिस की कंप्लेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन था, उनकी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन चली है कुछ महीना, तो ऐसे लोगों को भी कान में साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा मीनियर्स डिजीज़ के वजह से भी पर्सन को टिनाइटिस की कंप्लेंट हो सकती है। मीनियर्स डिजीज़ में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन के कान में जो फ्लूइड है उसमें इम्बैलेंस होने लग जाता है, उसके वजह से पर्सन को साउंड सुनाई देने लग जाता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें टिनाइटिस हो सकता है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यही है कि अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा साउंड है, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मेल्स को टिनाइटिस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लग जाती है, आपको टिनाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा टिनाइटिस उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो लोग टोबैको या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चिनिनम सल्फ 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप नेट्रम सेलिसाइलिकम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप चीनोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टिनाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।